नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे सिद्धू ने पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बता दिया। पिछली बार भी जब सिद्धू पाकिस्तान गए थे तो करतारपुर कॉरिडोर खोलने के मुद्दे पर पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा से गले मिले थे और सियासी माहौल गर्म हो गया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवजोत सिंह सिद्धू के मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि जिसका डर था वही हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान कोई इत्तेफाक नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। मारे गए आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक इलाके में अन्य आतंकी भी मौजूद हैं। कंगना रावत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनकी तारीफ में कसीदे पड़े हैं। कहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भरी सरकार का हाथ मरोड़ रहे हों, लेकिन एक महिला को मत भूलना, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी केंद्र के 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। वरुण गांधी ने पत्र में मांग की है कि एमएसपी पर कानून बनने की बात होनी चाहिए और अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए। बिहार के नालंदा जिले के सिलाल थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने जनता दल के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मृतक नेता पथरौर पंचायत के जदयू अध्यक्ष थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार शनिवार तड़के राजस्थान के जालौर में रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके पाली, सिरोही, जालौर और जोधपुर जिलों के कई गांवों में 7 से 12 सेकंड तक महसूस किए गए। यूपी के मुरादाबाद में परिवार में छाया मातम खुशी में तब्दील हो गया और तुरंत डॉक्टर ने आकर मृत व्यक्ति का चेकअप किया और इलाज के लिए दोबारा से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले अस्पताल में भी शख्स को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही उसका पोस्टमार्टम शुरू हुआ वैसे ही उसकी सांसें चलने लगी। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,302 मामले सामने आए, जो पिछले दिन दर्ज किए गए संक्रमण की संख्या से 7% कम है। ये आंकड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने शनिवार को साझा किए। कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर का कहर जारी। शीतलहर के कारण तापमान कई डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा। कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में इस साल का सबसे न्यूनतम तापमान सामान्य दर्ज किया गया है। फटाफट खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।